हाँ जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे MySQL को कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे करना है। अच्छा, जिनके पास कंप्यूटर है वो MySQL डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल के ऊपर भी MySQL यूज़ कर सकते हैं। फ्री की एप्स आती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड ऐप पे, तो वहाँ पर हम MySQL की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज तो हम केवल कंप्यूटर का देख रहे हैं कि कैसे इंस्टॉल करना। तो पहले तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई पैसा नहीं लगता है। गूगल पे सर्च मारिए MySQL डाउनलोड, तो ये MySQL की साइट का लिंक आ जाएगा, MySQL.com डाउनलोड। आप अंदर जाएंगे, मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाऊंगा, मेजर मेजर स्टेप्स मैं आपको दिखा दूंगा। तो जब आप डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड के पेज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे डाउनलोड मिलेंगे। बहुत सारे मतलब कि MySQL कई वर्जन्स में आता है, एंटरप्राइज वर्जन्स आता है जिसका कि पैसा लगता है, एक डेवलपर वर्ज़न आता है, सिर्फ सर्वर आता है, केवल क्लाइंट आता है। तो वो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट वैसा वो डाउनलोड मारता है। हमें डाउनलोड करना है MySQL कम्युनिटी वर्ज़न। कम्युनिटी पे जब हम डाउनलोड पे जाएंगे तो कम्युनिटी के अंदर भी डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। एक तो है कम्युनिटी का सर्वर डाउनलोड करना, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सॉरी हाँ, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसको जब आप डाउनलोड करोगे तो 200-300 MB की एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस फाइल को फिर आप कहीं भी इंस्टॉल करो कंप्यूटर पे। दूसरा है इंस्टॉलर विंडोज़ के लिए, ये एक 15-20 MB की फ़ाइल होती है और ये इंस्टॉलर है। इससे जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको उस समय इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि मैंने पहले ऑफलाइन इंस्टॉलर लिया, ऑफलाइन यानी कि बिना इंस्टॉलर वाला। तो ये देखिए, अच्छा इससे पहले मेरे से ये पूछेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपको विंडोज़ चूज़ करना है, फिर आपका 32 बिट है या 64 बिट है ये चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप इस पेज पे आ पाओगे। तो मैं ये वाला डाउनलोड करूँगा, 191 MB, लगभग 200 MB की फ़ाइल है। ठीक है, और अगर मैं इंस्टॉलर यूज़ करता तो ऐसा खुलता, 2.5 MB की फ़ाइल है मात्र, लेकिन इसके लिए मुझे इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, तो वो एट अ टाइम वो डाउनलोड करता है। ठीक है, अभी मैं मेजर बताता हूँ। जब आप डाउनलोड करना शुरू करेंगे तो आपसे पूछेगा वो, आपको इन में से कौन सा चीज़ डाउनलोड करनी है, सिर्फ सर्वर, क्लाइंट, फुल कस्टम और डेवलपर डिफ़ॉल्ट। तो हमें डेवलपर डिफ़ॉल्ट ले लेना है, इसमें हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ें हमारे यहाँ कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड MySQL सर्वर यूज़ करना है, INDB क्लस्टर की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाएंगे तो फिर आपसे फाइनली जाके आपसे ID पासवर्ड पूछेगा। आप ID रखिए ROOT रूट, और पासवर्ड भी रखिए ROOT रूट, रूट रूट पासवर्ड रखिए ताकि याद करने भी ईजी रहता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जब एक बार MySQL इंस्टॉल हो जाए कंप्लीट, तो अब इसको चलाना कैसे, तो कंप्यूटर के ऊपर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। ये कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ के सभी कंप्यूटरों में होता है, जैसे कि कैलकुलेटर होता है, नोटपैड होता है, इसी तरीके से ये कमांड प्रॉम्प्ट भी ऑलरेडी इंस्टॉल होता है विंडोज़ के कंप्यूटर पर। आप सर्च मारिए और इसे ओपन कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ काला सा एक स्क्रीन खुलती है, ब्लैक, और उस पर वाइट कलर के अक्षर होते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कई लोगों ने शायद इसको देखा भी होगा। फिर आप इस पर टाइप करना शुरू कीजिए, जो भी लिखा हुआ है टाइप क्या करना है, MySQL, सारा स्मॉल में टाइप कर रहा हूँ मैं, MySQL के बाद स्पेस दो, फिर लिखो -u। -u का मतलब होता है यूज़र नेम। यूज़र नेम हमने क्या रखा था, रूट, तो क्या टाइप किया हमने, -u रूट। फिर वापस से एक स्पेस दो, स्पेस देने के बाद क्या टाइप करना, -p। -p का मतलब है पासवर्ड, पासवर्ड भी हमने क्या रखा था, रूट। तो देखिए हमने क्या टाइप किया, MySQL स्पेस -u रूट स्पेस -p रूट, इसके बाद आप एंटर मार दो, तो ये आपका कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। 3-4 लाइन आएगी जिसमें ये बताएगा कि MySQL का कौन सा वर्जन आपके यहाँ स्टोर है, और अब प्रॉम्प्ट ये ऐसा आ गया, MySQL लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, MySQL के कमांड्स यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं। MySQL के कमांड्स को कहा जाता है SQL कमांड्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग देखते आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि MySQL के कमांड्स किस तरीके से यूज़ करें हम लोग। आज के लिए इतना ही, बाय।